अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी नया नाजमाबाद के अंदर इस टाइम पर जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उस बारे में आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि नया नाजमाबाद में इस टाइम क्यों बेस्ट टाइम है ये इन्वेस्टमेंट का। नया नाजमाबाद के अंदर इस टाइम पे 60 से 65 लाख रुपए का 120 गज का प्लॉट अवेलेबल है, वो भी बहुत अच्छी लोकेशन के, बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर। और इसमें आपको भी ये है, वो प्लॉट्स हैं जो कि 1 करोड़ को टच करके आ चुके हैं। ये इस टाइम पे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, इन प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, जो 65 लाख से 70 लाख के अंदर आपको मिलेंगे। बात कर रहा हूँ ब्लॉक एन और एम के हवाले से। इस टाइम पे ब्लॉक एन के अंदर 120 गज का प्लॉट आपको 60 लाख से शुरू होते हुए 65 लाख से 70 लाख के अंदर मिल जाएगा। आपको बहुत अच्छी लोकेशन पे 120 गज का प्लॉट ब्लॉक एन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये इस टाइम मार्केट क्योंकि रिवर्स आ चुकी है, थोड़ी सी रिवर्स आई है मार्केट इस टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ये वो प्लॉट्स हैं जो कि 1 करोड़ प्लस में बाइंग हुई थी इन प्लॉट्स की। तो जब अगर ये मार्केट नीचे आई है तो उस टाइम जाहिर सी बात है बाइंग टाइम है। अगर ये टाइम आप बाय कर लेंगे तो आने वाले टाइम जब इसकी दोबारा इसने बूम जाना, इंशाल्लाह 4-5 महीने तक 6 महीने तक इसने जब बूम जाना तो इसने अपना मार्केट को टच करना है 1 करोड़ प्लस को, दोबारा ये जाएगी। देखिए, जो इन्वेस्टर ने 1 करोड़ प्लस से प्लॉट्स उठाए हुए हैं, अगर वो आज मार्केट रिवर्स पर है तो लाजमन आज से 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मार्केट में लास्ट इसको टच करनी है। और आने वाले इंशाल्लाह 4 से 5 महीने की यही प्रेडिक्शन है मार्केट की कि मार्केट ने दोबारा बूम मारना, ऊपर जाना है, ये बात है। तो इस टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्लॉक एम और ब्लॉक एन इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। प्लॉट लें और लेने के बाद 4 से 5 महीने उसको रखें, वो आपको 4 से 5 महीने के बाद बहुत अच्छा वो रिटर्न देगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ। ये है नॉन डेवलप एरिया ब्लॉक एम और ब्लॉक एन, जो कि बहुत हॉट के लिए है, जो कि आप अगर आप अभी लेते हो तो आगे जाके ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नया नाजमाबाद की, जो कि डेवलप एरियाज हैं ब्लॉक ए, सी और डी, जहाँ पे प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ की भी अगर मार्केट की बात करूँ ब्लॉक डी के अंदर, जो कि आज से अगर मैं 1 साल पीछे भी जाऊँ तो जो प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का था, आज वो प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख रुपए का ब्लॉक डी के अंदर। लोकेशन एंड की है लेकिन वो आपको 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 के अंदर मिल जाएगा कम्प्लीट प्लॉट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको 120 गज का प्लॉट डी ब्लॉक के अंदर, जो कि डेवलप एरियाज हैं, इतनी कम कीमत पर मिल रहा है। वजह ये कि मार्केट थोड़ी नीचे आई है, वक्त थोड़ी नीचे आई है, लेकिन इसने ये 4 से 5 महीने के बाद अपनी मार्केट में करेक्शन दोबारा करनी है, तो मार्केट में लास्ट ऊपर जाना है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो प्लॉट इन्वेस्टर ने उठाए हुए होते हैं वो मार्केट वहाँ पर लास्ट में लेके जाता है। जब वो लेके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, सबका ही उसमें जिन जिन ने बाई किए हैं सब ने वहाँ पर आके बेचने ही है। अभी जो टाइम है बेहतरीन टाइम है कि सर आप बाइंग करें इसको, बाइंग करने के बाद उसको रखें अपने पास कुछ टाइम। उसके बाद अगर मैं आपको ब्लॉक डी की जो वैल्यू बताई है, अगर आप बिल्कुल लैंड की तरफ प्लॉट लेते हैं तो 1.30 से मिल जाएगा। उसके बाद ब्लॉक डी की वैल्यू जो चल रही है 120 गज के प्लॉट की, वो 1.30 से 1.50, 1.55, 1.60 तक भी है। जैसे कि ब्लॉक सी के अंदर भी 120 गज के प्लॉट 1.65, 1.70 तक हैं, जो कि डिमांड किए जाते हैं। क्योंकि उसके बाद अगर मैं ब्लॉक ए की तरफ जाऊँ तो ब्लॉक ए के अंदर, जो कि आज से 1 साल पहले 2 करोड़ तक के 1.90 तक के जो प्लॉट्स थे, वो 1.80, 1.70, 1.75 में मिल रहे हैं प्लॉट। तो ये जो पीछे आई है इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप लोग इस टाइम उसको अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को, और ये बाइंग टाइम है। उसके अलावा जो मैं सबसे ज़्यादा हॉट के है ब्लॉक एम और एन, जो कि लो इन्वेस्टमेंट बजट होता है, किसी का अगर लो इन्वेस्टमेंट बजट है, अगर वो चाहता है कि इस बजट में मैं नया नाजमाबाद के अंदर प्लॉट लूँ, तो ब्लॉक एम और ब्लॉक एन इस टाइम पर बहुत अच्छा है। 60 लाख से 70 लाख के अंदर प्लॉट मिल रहा है 120 गज अच्छी लोकेशन के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की, जो कि अवेल कर सकते हैं इस टाइम पर। क्योंकि इस टाइम आप लोग को पता है कि मुल्क में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, थोड़ा सा आदमी परेशान, लेकिन आने वाला टाइम जो मुल्क के हवाले से भी अगर देखा जाए तो आने वाला टाइम इंशाल्लाह अच्छे की तरफ जा रहा है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं। तो जब शुरू हो रही तो ऑल ओवर सब चीज़ें बेहतर होंगी, हर जगह की प्रॉपर्टी अच्छी ही होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। तो ये टाइम इसीलिए अवेल किया जा रहा है कि इस टाइम पर आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन और सवाल और सेल परचेज के हवाले से नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए।